दोस्तों आईपीएल अगर श्रीलंका में होता है तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर बीसीसीआई को गौर करना पड़ेगा। या दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो है फैंस। दोस्तों ऐसा नहीं कि आईपीएल इससे पहले और कंट्री में हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले 2009 में साउथ अफ्रीका में खेला गया था और 2014 में यूएई में खेला गया था। लेकिन दोस्तों आज की सिचुएशन उस टाइम नहीं थी। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे उस आईपीएल में कई सारे साउथ अफ्रीकन अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जिसके कारण वहाँ पे अच्छा फैन बेस मिला था। और उस टाइम कोरोना जैसी सिचुएशन नहीं थी, कई सारे इंडियन फैंस यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ पे आईपीएल मैचेस देखने के लिए जा सकते थे। लेकिन आज की स्थिति में अगर अदर कंट्री में होता है, जैसे कि श्रीलंका की बात हम कर रहे हैं, तो इंडियन फैंस को वहाँ पे जाना अलाउड शायद से नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी कंट्री ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील कर दी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है अगर श्रीलंका में होता है तो, फैन बेस बहुत कम मिल सकता है। और यूएई की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस लोग रहते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे आईपीएल हुआ था तो काफ़ी सारा सपोर्ट मिला था। और यहाँ से भी इंडिया से भी कई सारे फैन जो है वहाँ पे मैचेस देखने के लिए गए थे। ऐसे में अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पे फैन बेस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस आईपीएल में श्रीलंका के प्लेयर ज़्यादा नहीं, शायद दो प्लेयर है, एक मलिंगा और एक आरसीबी में एक प्लेयर श्रीलंका ही प्लेयर है, जिसके कारण शायद श्रीलंकन फैंस आईपीएल को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते और साथ साथ इंडियन प्लेयर फैंस भी यहाँ से नहीं जा सकते। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर बीसीसीआई को गौर करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है वो ब्रांड्स। दोस्तों अगर देखेंगे कोई भी ब्रांड्स अगर अपना पैसा वहाँ पे डालता है किसी लीग में या किसी में, तो उसको पॉपुलरिटी जरूरत होती है। और अगर वहाँ पे अगर श्रीलंका में मैचेस होते हो और फैन बेस नहीं मिलता, मतलब किसी भी ब्रांड को पॉपुलरिटी नहीं मिली, तो ऐसे में कई सारे ब्रांड जो है अपना हाथ पीछे कर सकते और पीछे को उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा अगर श्रीलंका में खिलाया जा सकता है, तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अदर कंट्री के प्लेयर, जिससे दोस्तों हमने कहा कि कई कोरोना वायरस की वजह से कई सारी कंट्रीज़ ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो सील कर दिए, जिसके कारण अदर कंट्री के प्लेयर भी नहीं आ सकते या आईपीएल खेलने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने तो 6 महीने का लॉकडाउन डाल दिया है, जिसके कारण ये तो आना, यहाँ पे आना उनका तो मुश्किल है। तो कई सारे प्लेयर जो है इस आईपीएल में शामिल नहीं हो सकते। और ऐसे में अगर श्रीलंका में होता है तो ये और भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो सर चौथा जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर खिलाना ही आईपीएल, समझो अगर श्रीलंका में खिलाना तय हो गया, बीसीसीआई ने तय कर दिया कि हम आईपीएल जो श्रीलंका में खिला देते, तो लेकिन दोस्तों अगर ऐसे में कब खिलाएंगे ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई भी लीग खिलानी है तो उसके लिए पूरा बेस तैयार होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में ये पूरा तैयार रहता है, क्योंकि हर साल यहाँ पे आईपीएल होता है, जिसके कारण उसके पूरी अरेंजमेंट हो ही रहती है। अगर श्रीलंका में खेलने की सोचे तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ग्राउंड्स तैयार करने पड़ेंगे उसकी आईपीएल के हिसाब से, खिलाड़ियों की रहने की पूरी सुविधा उपलब्ध करनी, जिसमें काफ़ी टाइम जा सकता है। और यह आईपीएल जो जून जुलाई तक जा सकता है अगर श्रीलंका पे भी खिलाना हो तो अगर दोस्तों जून और जुलाई की बात करें उस टाइम पे अगर आईपीएल खिलाना है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जून जुलाई में श्रीलंका में काफ़ी ज़ोरों से बारिश होती है और वो बारिश इंडिया से भी दुगनी होती है, जिसके कारण कई सारे मैचेस जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। तो इससे अच्छा इंडिया में खिला देते हैं, तब तक शायद कोरोना भी कंट्रोल में आ जाए, लेकिन फैंस को वहाँ पे ग्राउंड पे अलाउड नहीं हो सकते इंडिया में, तो इंडोर खेला जा सकता है, एक ही सिटी को पकड़ के वहाँ पे मैचेस हो सकते हैं और ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। तो ये चार जो पॉइंट है जिसके ऊपर बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जो पांचवा पॉइंट है वो हमारा फैंस का पॉइंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, क्योंकि एमएस धोनी और सुरेश रैना। दोस्तों अगर एमएस धोनी की बात करें, उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद एक भी मैच नहीं खेला है और सीधा वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आने वाले थे, शायद अपने आप को आजमाना चाहते थे आईपीएल में, उसके बाद अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते तो तब शायद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले थे और T20 वर्ल्ड कप भी। ऐसे में अगर उनकी यही सोच रही होगी और ऐसे में आईपीएल कैंसिल होता है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि क्या एमएस धोनी आने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या इंडिया के साथ कोई मैच खेलेंगे। अगर एमएस धोनी खेलना चाहेंगे तो शायद उनको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वो खुद को आजमाना चाहते थे अगर आईपीएल में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। और दूसरी तरफ देखिए सुरेश रैना, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मान रहे थे आईपीएल को अपनी इंडियन टीम में वापसी के लिए, जहाँ पे उन्होंने कहा भी था कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करके आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह टीम इंडिया में बना दूंगा,
और इसी सिचुएशन में अगर आईपीएल नहीं होता तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों कई सारे ऐसे पॉइंट्स और भी है, तो आपको क्या लगता है कि ये आईपीएल श्रीलंका में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों और क्यों नहीं? साथ ही साथ आईपीएल सच में खेलना इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं? आईपीएल इस साल नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कई सारे क्वेश्चन, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।